मुर्दाबाद, अरवन गोसावी मुर्दाबाद, देश के कत्तारों को, देश के कत्तारों को, मोदी सरकार मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के भिवंडी में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में अर्नब गोस्वामी की तस्वीर को आग लगा दी गई और चप्पल जूतों से मारा गया। साथ ही अर्नब देशद्रोही के नारे भी लगाए गए। बीजेपी पार्टी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई है। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद अर्नब की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल अर्नब गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व प्रमुख पार्थोदास गुप्ता के बीच बातचीत की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई। इस चैट के मुताबिक अर्नब गोस्वामी को 2019 में हुई बालाकोट स्ट्राइक के बारे में जानकारी थी। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादियों के एक ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक की थी, जिस पर सवाल उठने लगे कि अर्नब को इसकी जानकारी पहले से कैसे थी। देश भर में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है और भिवंडी शहर में भिवंडी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज सड़क पर रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में अर्नब की तस्वीर को जमीन पर रख कर पैरों तले कुचला गया और चप्पल जूतों से अर्नब की तस्वीरों पर महिलाओं ने मारा। वहीं बालाकोट स्ट्राइक से जुड़ी चैट मामले में महाराष्ट्र सरकार कानूनी राय ले रही है। चैट के जरिए बातचीत को लेकर अर्नब के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। भिवंडी में आज किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, पिछले दो दिन से सभी टीवी पे सभी मीडिया में चल रहा है कि अर्नब गोस्वामी जो ने जो है पुलवामा हमला हो या चाहे बालाकोट का हमला हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, इन दोनों पे उसका जो चैट आया है मुंबई पुलिस ने उसको सामने लाया है और मुंबई पुलिस की हम यहाँ प्रशंसा करेंगे, अभिनंदन करेंगे कि उनके व्हाट्सएप चैट को जो है जो दिल्ली की सरकार दबा रही थी मुंबई पुलिस ने उसको निकाल कर बाहर किया। कल शाम में हमको प्रोग्राम आया है और अर्जेंट में हमने अपने लोगों को जो है तैयारी करके आज यहाँ छोटा सा आंदोलन किया है। ऐसे गद्दार को जिसने सीक्रेट सर्विसेज एक्ट का उल्लंघन किया है, भारत के जवानों की जो आत्मा है उनके साथ खिलवाड़ किया है, सरहद पे जो हमारे जवान हैं जो अपने घर बार अपनी ज़मीन खेत सब छोड़कर जो है सरहद की हिफाजत पे लगे हुए हैं, जीरो -30 और 40 डिग्री में जो कारगिल जैसी जगह पर जो है अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे लोगों की बातों को जो सीक्रेट बातें थी उसको जो है किसी तरह से जो है ये दिल्ली की सरकार की हम मजम्मत करते हैं, हम दिल्ली सरकार का निषेध करते हैं कि इस तरह की सीक्रेट सर्विसेज की जो चैट है वो किस तरह से बाहर गई और इसने जो है अपने कुछ आकाओं को उस तरफ भेजा और बात किया है। और सबसे ख़राब बात उसकी यह है कि जब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे उस वक्त पूरा देश जो है गम में डूबा हुआ था, उस वक्त इसने कहा था, वो चैट भी सामने आया कि हमारा काम हो गया। कौन सा काम इसका हुआ है कि हमारे जवान को शहीद करके ये लोग अपना काम पूरा करना चाहते हैं, हम इसका निषेध करते हैं और इस तरह का आंदोलन हमारा इंशाअल्लाह ताला पार्टी के आदेश पर जारी रहेगा।